जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। जी हाँ, 10 तारीख को बागेश्वर धाम सरकार राजस्थान के पथवाड़ा में आए थे। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार 10 तारीख को भी लाल वस्त्रों में ही श्री हनुमत कथा करी थी। फिर उसके बाद 11 तारीख को भी श्री लाल कपड़ों में ही कथा करी थी बागेश्वर धाम सरकार ने। बताते रहें, इनकी कथा सुनने के लिए गाड़ियों पर चढ़े हुए, टेंट पर चढ़े हुए, कूलर पर चढ़े हुए, अनेक प्रकार के चीज़ों पर भगत लोग चढ़े हुए थे। बागेश्वर धाम सरकार की एक झलक देखने के लिए ललास हो रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के राजस्थान के सभी पागल। बागेश्वर धाम सरकार का आज 12 तारीख आज लगेगा दिव्य दरबार, और अगर धाम पर आना चाहते हैं धाम पर लगेगा 16-17 तारीख को दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार का, गढ़ा गाँव में ही, MP मध्य प्रदेश, जहाँ पर मंदिर है गुरुदेव का, वहीं पर दिव्य दरबार लगेगा। और एक और बात बता चलें, बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी फ्री है और पेशी फ्री है और पर्चा फ्री है, सब कुछ फ्री है। बागेश्वर धाम सरकार का कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं होती है। बागेश्वर धाम सरकार राजस्थान से 15 तारीख को ही आ जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख तक ही श्री हनुमत कथा का बागेश्वर धाम सरकार का आयोजन रखा गया है। जी हाँ, जिसमें हनुमान जी का प्रकट महोत्सव मनाने का संकल्प के अनुसार कथा चलाई जा रही है। जा पर कृपा राम की हुई, बा पर कृपा करें सब कोई। जब बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी पर राम की कृपा है, तो सभी भक्त भी उन पर कृपा करते हैं और भक्तों का सैलाब आने पर मजबूर हो जाता है। बागेश्वर धाम सरकार का ऐसा राजस्थान में माहौल बन रहा है कि आज तक ऐसी कथा नहीं हो पाई है और शायद आगे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेता हो या कोई भी विधायक हो, बागेश्वर धाम सरकार के सामने सभी फेल हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार छवि में से एक नूर बरसता है। जी हाँ, लाल वस्त्र, दूसरी बात, लाली दे लाली लसे हरदर लाल लंगूर, वज्र देव दाना धन, जय 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 कपिसूत, पवन सुत हनुमान की जय। लाल देव के हनुमान जो आपको पता ही है, और ऐसे ही वस्त्र पहन के बागेश्वर धाम सरकार, उस पर लिखा हुआ साधु जी सीताराम। इनके कुछ डायलॉग हैं जैसे साधु जी सीताराम, ठटरी के बरे नक्कटा और लोचे पालई, ऐसे बागेश्वर धाम सरकार के कुछ डायलॉग चल रहे हैं। और एक और बात, अभी हलूल्ला वाले भी राम राम बोलेंगे, ऐसा संकल्प लेकर बागेश्वर धाम सरकार देश में नहीं विदेश में भी झंडा गाड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की किसी प्रकार की भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी हम बागेश्वर धाम सरकार के लाते रहते हैं। आज है इतवार, बागेश्वर धाम सरकार के, जी हाँ, स्कूल के बच्चे जो फौज में तैयार हो रहे हैं और मतलब पुलिस प्रशासन में भी तैयार हो रहे हैं बच्चे, वो सभी लोग कथा में आए थे। बागेश्वर धाम सरकार ने आशीर्वाद सभी को दिया बच्चों को, और कहा है कि इनकी पढ़ाई और अच्छे से कर दी जाए ताकि हमारे भारत का नाम रोशन करें और भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मित्रों, सनातन धर्म को और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार की वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगली कथा की जानकारी आपको चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं और कथा की जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा है, ना लगी हो तो कोई बात नहीं। जय